बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिलाल प्रोग्रामर। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखें कि हमारे पास प्रोस एंड कॉन्स ऑफ ई कॉमर्स क्या होते हैं। प्रोस हमारे पास बेसिकली होते हैं एडवांटेज, और कॉन्स होते हैं हमारे पास डिसएडवांटेज। इसका मतलब ये होता है फ़ायदे और नुकसान क्या है हमारे पास ई कॉमर्स के अंदर। तो हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं, हमारे पास होते हैं फ़ायदे और होते हैं हमारे पास नुकसान। तो हम लोग बात करेंगे सबसे पहले इसके फ़ायदे की, कि हमारे पास फ़ायदा क्या होता है। फ़ायदे हमारे पास सबसे पहला जो होता है ना, वो होता है हमारे पास मोर कन्वीनियंट, यानी कि बहुत ज़्यादा अच्छा माहौल प्रोवाइड किया जाता है। कन्वीनियंट का मतलब ये होता है कि जो एक अच्छा इन्वायरमेंट दिया जाए, यानी कि जब भी आप लोग अपने मोबाइल ओपन करें या कोई वेबसाइट, कोई ऐसी वेबसाइट जहाँ से आपने कोई चीज़ परचेज़ करनी है, देन आप देखेंगे कि आपको प्रोडक्ट जो है ना बहुत अच्छी और अच्छी प्रोडक्ट मिलेंगी। उनकी प्राइस भी आपको कंपैरिजन करने में ज़्यादा इजी होगी, वो देखने में बहुत अच्छी होगी, यानी कि बहुत ज़्यादा दिलकश होगी। उसके बाद हमारे पास होता है रिड्यूस प्राइस, यानी कि कम प्राइस में भी आपको मिल जाएगी। यानी कि अगर आपने को मैं एग्जाम्पल दूँ कि आपने अगर हैंड फ्री ख़रीदने हैं, आप लोगों ने जो है वो हैंड फ्री अगर ख़रीदने हैं, बेसिकली हैंड फ्री होता है, आप लोगों ने वो ख़रीदने हैं, तो उसकी प्राइस डिफरेंट प्राइस देखेंगे, वो उसकी प्राइस की कैटेगरीज होगी, डिफरेंट प्राइस होगी लो लेवल से और हाई लेवल में। आपको जिस क्वालिटी की चाहिए उस क्वालिटी की आप लोग यहाँ से ईजिली परचेज कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग जो है ना नेशनल और इंटरनेशनल भी जो है ना चीज़ें परचेज़ कर सकते हैं दुनिया में, यानी कि हम लोग बाहर की अगर कोई चीज़ परचेज़ करना चाहते हैं तो हम लोग ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू कर सकते हैं, या फिर किसी ऐसी जगह से भी कर सकते हैं कि जहाँ पर हमारे पास इंटरनेट अवेलेबल हो, हम लोग वहाँ से भी चीज़ों को जो है वो परचेज़ कर सकते हैं। हमारे पास ये होता है कि जिस तरह शॉप्स होती हैं ना, वो तो रात को 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे बंद हो जाती हैं, लेकिन ऑनलाइन सिस्टम 24 घंटे सर्विस प्रोवाइड करता है कि आप लोग किसी भी टाइम जो है ना 24 घंटों में कभी भी अपना ऑर्डर जो है प्लेस करा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास होता है कि हमारे पास सिलेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं कंज्यूमर के अकॉर्डिंग, यानी कि कंज्यूमर की जो रेटिंग होती है ना, रेटिंग यानी कि जैसे मैंने अभी बात की थी कि हैंड फ्री मैं ख़रीदना चाहता हूँ, मेरे पास हैंड फ्री जब मैं ख़रीदूँगा तो बहुत सारे ऐसे यूज़र भी होंगे जिन्होंने ऑलरेडी खरीदी होंगी और उन्होंने कुछ इसकी रेटिंग दी होगी। रेटिंग होती है हमारे पास जिसमें स्टार्स दिए होते हैं, वो बहुत सारे यूज़र्स ने दी होगी, जिसकी अच्छी रेटिंग्स होगी, जिसकी अच्छी क्वालिटी होगी, जो अच्छी चीज़ प्रोवाइड कर रहा होगा, उसकी हाई लेवल पर चीज़ें आपको शो होंगी, बहुत सारी चीज़ें शो होंगी, देन आप वहाँ से उस चीज़ को परचेज़ कर सकते हैं। ये होते हैं हमारे पास इसके फ़ायदे। अब इसके कुछ नुकसान की बात कर लें। नुकसान हमारे पास सबसे पहला ये होता है कि हमें कोई एक्सपीरियंस नहीं होता पर्सनली। लाइक मैं अगर कोई हैंड फ्री ले रहा हूँ ना, अब मैंने ऑनलाइन हैंड फ्री तो ले ली, लेकिन मुझे अब ये श्योरिटी नहीं होगी कि क्या ये बिल्कुल सही मेरे पास पहुँचेगी, या बिल्कुल वैसी ही रहेगी जैसी है, या दिखने में जिस तरह जो चीज़ दिखाई दे रही है, इसकी वायर वगैरह या इसके स्पीकर, अगर ये तो नहीं होगा, उसको मैं हाथ में पकड़ के नहीं, कोई एक्सपीरियंस नहीं है मेरे पास, मैंने देखा ही नहीं है कि इसके वायर वगैरह या इसके स्पीकर या इसकी क्वालिटी के बेसिकली होते हैं कि दिखने में क्वालिटी तो बहुत अच्छी है, लेकिन समटाइम आप उसको महसूस नहीं कर सकते वो जब तक आपके हाथ में चीज़ ना आए। उसके बाद हमारे पास होता है कि इंटरनेट हर जगह को इंटरनेट हर जगह नहीं होता। लाइक अगर मैं बात कर लूँ कोई गांव वाली साइड की अगर बात कर लूँ, तो वहाँ पे इंटरनेट नहीं होता, या आप लोग एक सिटी से दूसरे सिटी जा रहे हैं, अगर आपने सेंटर में से किसी जगह पर अगर कोई शॉपिंग करनी है, कोई चीज़ देखनी है, तो ना आपके पास इंटरनेट भी इशू होगा। और उसके बाद अगर आप लोगों ने कंप्लीट चीज़ें परचेज़ कर ली, सेट कर ली, अगर आपने ऑर्डर प्लेस करना हो, अगर आपका इंटरनेट का कोई इशू हो गया, देन जितनी आपने प्रोडक्ट चीज़ें सेलेक्ट की होगी, वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो ख़राब हो जाएंगी, चली जाएंगी, ज़ाया हो जाएंगी, फिर वो दोबारा वापस से मिलना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके बाद हमारे पास ये बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ होती है कि हमारा क्रेडिट कार्ड नंबर जो है ना वो चोरी हो जाए, क्योंकि हम लोग ऑनलाइन काम कर रहे हैं, हम लोग अपने बैंक अकाउंट का अगर ATM वगैरह का या अपने क्रेडिट कार्ड का नंबर दे देंगे, देन क्या होगा कि कोई हैकर जो है हमारा बैंक अकाउंट का नंबर लेकर हमारे बैंक अकाउंट का सफाया कर सकता है। उसके बाद हमारे पास ये मुमकिन बहुत ज़्यादा होता है कि हम लोग कोई अगर ये मुझे हैंड फ्री अच्छी लगी ना, मैंने इसको ऑर्डर कर दिया, लेकिन बाद में मुझे पता चलता है कि इसका तो स्टॉक ही अवेलेबल नहीं है, यानी कि बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि स्टॉक का ना होना, यानी कि उनके पास पड़ी नहीं हैंड फ्री, जस्ट उन्होंने ऐड लगाया हुआ है। एक ये भी धोखा हो सकता है, ये भी जो है ना इंसान को गुमराह कर सकते हैं जस्ट अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए, क्योंकि उनके पास चीज़ होती नहीं, जैसे उन्होंने शो कराई होती है। तो ये थे इसके कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसान, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गए होंगे। तो अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।